वर्ल्ड बेस्ट लार्ज पिज्जास इन 1400। हे गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, न्यू रिव्यू व्लॉग। तो आज के व्लॉग में, आज की वीडियो में हम एक फूड रिव्यू करने वाले हैं। इससे पहले आपने शॉर्ट वीडियो की, वो शॉर्ट वीडियो भी इसी के बारे में। तो हम फूड रिव्यू किसका करेंगे, वो इसकी से करेंगे कि हमारे इलाके के अंदर साल डेढ़ साल जो है वो हो चुका है पिज्ज़े की शॉप को खुले हुए, ओपन हुए हैं, और सबसे सस्ता पूरी दुनिया में से सबसे सस्ता पिज़्ज़ा जो है वो हमारे भाई बहन देते हैं। स्मॉल पिज़्ज़ा 120 का, मीडियम जो है 250 का, और लार्ज जो है वो 400 रुपये का। पहले इनकी प्राइस जो है वो 20-20 रुपये कम थी, लेकिन थोड़ी सी महंगाई हुई अभी, तो उन्होंने भी अपनी प्राइस जो है 20-20 रुपये 40 रुपये करके उन्होंने बढ़ा दिए। तो जो लार्ज पिज़्ज़ा था 360 का था, तो उन्होंने 400 कर दिया। स्मॉल 250 का था, तो उन्होंने 330 का कर दिया था। ऐसे करके उन्होंने जो है ना अपनी प्राइस बढ़ा दी। तो पिज़्ज़ा जो है वो हम लेके आ चुके हैं, और आज हमारा है स्पेशल डे, क्योंकि 12 बज चुके हैं। तो हमने कहा चलो यार पिज़्ज़े को एंजॉय करते हैं। केक तो बहुत महंगा आएगा, लेकिन जो हमारा जो लार्ज पिज़्ज़ा है ना, ये बेहतरीन है, बेहतरीन, वर्ल्ड बेस्ट लार्ज पिज़्ज़ास इन 1400। ठीक है जी, तो 1400 रुपये अगर आपके पास है, आपको तगड़ी वाली भूख लग रही है, तो आप जो है वो हमारे इलाके में आ सकते हैं, उस्मानिया मोहाजर कॉलोनी में आ सकते हैं, यादगार फिश के बैक साइड पे है, तो उस पर आप आ सकते हैं। अभी पता है क्या सीन है, मैं इसलिए रुक रुक के बोल रहा हूँ क्योंकि ना अभी सब सो रहे हैं, 12:30 बज रहे हैं, हमारी बर्थडे जो है वो शुरू हो चुकी है। तो आप लोगों को भाई हैप्पी बर्थडे, तो कमेंट में मुझे बोल देना हैप्पी बर्थडे टू यू आयश, अन्नी बोलती हैं आयश, आयशा जो वो बोलती है ना, आयश बोलती हैं मुझे, तो आप लोग कमेंट बोल देना हैप्पी बर्थडे अनस भाई। तो इतने दिनों से व्लॉग नहीं आया, तो मैंने कहा चलो भाई आज बर्थडे का जो है वो हम फूड रिव्यू जैसा हम व्लॉग बनाते हैं अपनी बर्थडे के ऊपर। आज पिज़्ज़ा खाने का दिल भी चाह रहा था, और बस पैसे भी थे अलहमदिल्ला, तो हमने कहा पहले हम सोचते थे कि हम पिज़्ज़ा मंगाएंगे, पैसे जमा करेंगे, पहले 1500, 2000, 1200, 1300 इतने रुपये में लार्ज पिज़्ज़ा आता था। अब जो है माशाल्लाह सस्ते में आ जाता है, फिर 600 रुपये में आ जाते हैं। आपने पिछले साल वाला मेरा व्लॉग देखा होगा, ईद का टुडे स्पेशल ईद वाला व्लॉग देखा होगा, नहीं देखा तो मैं यहाँ पे थंबनेल लगा रहा हूँ, और आई बटन में भी उसका लिंक दे दूँगा। तो वो हमने पिज़्ज़ा लिया था फर्स्ट टाइम, हुमायूं और मैं थे बाइक पे ही गए थे। तो हमने ईद वाले दिन हमने पिज़्ज़ा लिया था 600 रुपये का, तो 1200 से जो है वो 600 रुपये तक का पिज़्ज़ा आ गया था। अब इससे भी सस्ता जो है वो हमारे इलाके में माशाल्लाह पिज़्ज़ा मिलने लगा है, तो वो पिज़्ज़ा है ये माशाल्लाह जो आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे, सिनेमैटिक शॉट जो आपने देखे हैं इस माशाल्लाह पिज़्ज़े के, तो ये माशाल्लाह भाई जान पिज़्ज़े हैं 400 रुपये का। तो जिसको भी सस्ता पिज़्ज़ा खाना है और जिसके पास 400 रुपये हैं, तो वो हमारे इलाके में मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकता है। मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर डाल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी डाल रहा हूँ, और यहाँ पर भी सामने आ रहा है। ठीक है जी, 0317, जब मिलाओ जब बन। ठीक है जी, तो ये हमारा नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर, अगर जिसको भी कोई दूर है, गुलशन वगैरह में है, अगर कुछ ज़्यादा क्वान्टिटी में पिज़्ज़ा लेना चाहता है तो हमारे पास आ सकता है। 10-12 पिज़्ज़ा लेना चाहते हैं तो उसके प्राइस जो है वो कम हो सकती है, 3-4 हज़ार रुपये के आपको जो है ना वो 10 पिज़्ज़ा मिल जाएंगे। 400 रुपये का पिज़्ज़ा तो आप मल्टीप्लाई कर लो 10 से, तो 4000 रुपये हो गए। लेकिन अगर वो दूर है, अगर वो ज़्यादा लेना चाहते हैं, तो उसके लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन अगर कोई करीब है, तो वो तो घर से उठ के आए, 400 रुपये दे, उसको बोले भाई लार्ज पिज़्ज़ा बना दें। ठीक है जी, तो अब ज़्यादा टाइम नहीं करते हैं, अब फूड का जो है रिव्यू करते हैं। आपको बताते हैं कि हमारा ठंडा भी हो गया है व्लॉग के चक्कर में, तो 12:30 बज चुके हैं। हमने कहा था किसी को हमारी बर्थडे याद नहीं है, हमें अपने आप को बर्थडे याद है। तो आज जुम्मे का दिन है, फ्राइडे है, तो हमने कहा था व्लॉग भी बना लेते हैं, अपना पिज़्ज़ा भी खा लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, हमारा फूड रिव्यू व्लॉग बन जाएगा। अभी सब सो रहे हैं, 12:30 का टाइम हो रहा है। ठीक है, बेहतरीन है, गर्म होता है तो और बहुत सकता। अब मैं जल्दी जल्दी इसको खाता हूँ, और आप मुझे खाते हुए देखिए। मेरा दिल था कि मैं इसको पूरा ख़त्म करूँगा, देखते हैं कि पूरा ख़त्म कर पाता हूँ। मीडियम जो होता है छः स्लाइस वाला, वो तो आपके भाई ने पूरा ख़त्म कर लिया था जब पिछले महीने में जब मैं लेकर आया था। तो हमने कहा आज स्पेशल दिन है, आज के दिन जो है वो हम पैदा हुए थे, आज के दिन माशाल्लाह हम 22 साल के हो चुके हैं। क्या बोलते हैं, एक शेर हमने याद करा था, वो आपको सुनाते हैं कि 22 साल के हो गए हैं, बाकी कितनी है खुदा जाने। तो अगर ये आपको शेर अच्छा लगा हो तो कमेंट में बताना कि शेर अच्छा है, हमने खुद लिखा है। क्या शेर है कि 22 साल के हो गए हैं, बाकी कितनी है खुदा जाने। ठीक है, तो हम अपना पिज़्ज़ा इंजॉय करते हैं, और आप लोग बताना कि हमारा फूड रिव्यू पिज़्ज़ा कैसा है। तो देखते हैं मैं कितने टाइम के अंदर ये पूरा पिज़्ज़ा जो है ख़त्म कर पाता हूँ। ठीक है जी,
ठीक है जी, तो आप लोग देखिए मैं पिज़्ज़ा जल्दी खाता हूँ, ठीक है जी। हमने कहा आज हमारी बर्थडे है, आज हम 22 साल के हो चुके हैं माशाल्लाह, तो केक तो बहुत महंगा है और केक लेने के लिए भी हमारे को 3 नंबर और गुरु मंदिर पर जाना पड़ेगा। तो हमने कहा चलो पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा खा कर अपनी बर्थडे इन्जॉय करते हैं और किसी को कुछ नहीं बताएंगे। जब सब ब्लॉग देखेंगे तो सबको पता चला कि हम लार्ज पिज़्ज़ा लेके आए थे, ठीक है जी, लार्ज पिज़्ज़ा लेकर आए थे बर्थडे वाले दिन, ठीक है जी। ये अगर गर्म होता ना तो ऐसा मज़ा नहीं लगता। अभी मेरा गला भी ख़राब हो रहा है, बलगम आ रहे हैं, छींकें आ रही हैं, गला बिल्कुल ख़राब हो रहा है, खांसी हुई, लेकिन पिज़्ज़ा खाने का दिल था, हमारी बर्थडे थी तो हमने कहा भाई हम पिज़्ज़ा खाते हैं, ठीक है जी। बट ठंडा हो गया यार वीडियो के चक्कर में यार, बस सारा ये हुआ। और सॉरी हमारे पास टेबल नहीं है तो इस वजह से मैं हाथ में पकड़ के पिज़्ज़ा खा रहा हूँ, तो ये हमारा जो है वो थंबनेल बन जाएगा, ठीक है जी, ये थंबनेल बन गया हमारा। कि अगर आपको 400 रुपये हैं आपके पास और आपको मज़ेदार पिज़्ज़ा खाना है, और एक ख़ास बात इसकी ये है कि आप इसके अंदर चीज़ जो है वो और ऐड करवा सकते हो 50-60 रुपये की एक्स्ट्रा। इसने जो है देखो कम चीज़ डाली हुई, तो आप 50-60 रुपये की एक्स्ट्रा चीज़ भी डलवा सकते हो अपने उससे। इसको बोल दो भाई 50-60 रुपये की 100 रुपये का कोई डबल चीज़ वाला पिज़्ज़ा जाएगी, तो बिल्कुल पिज़्ज़े के ऊपर ना लेयर बना जाता है, इतनी मोटी चीज़ की लेयर बना जाता है, उससे आपका लच्छेदार वाला चीज़ वाला पिज़्ज़ा हो जाता है। ये 3 पीस जो है माशाल्लाह पिज़्ज़े के बचे हैं, बहुत सारा खा लिया। 8 पीस का पिज़्ज़ा था, लार्ज पिज़्ज़ा था, लार्ज पिज़्ज़े के अंदर 8 पीस होते हैं। तो भाई खाना खाना भी खाया था, आधी रोटी जो है वो हमने सब्ज़ी भी खाई थी, लेकिन वो नहीं खाता तो अच्छा होता। लेकिन अभी ये कि ये 3 पीस बचे हैं, आहिस्ता आहिस्ता करके अभी पीस ही चलाएँगे, थोड़ी सी एडिटिंग करेंगे, व्लॉग डालेंगे। तो बस इस व्लॉग को इतना रखते हैं, इस रिव्यू व्लॉग को इतना रखते हैं, एक जो है मैं खा के देखता हूँ। अभी भी जो है ना नरम है माशाल्लाह, तो ये गर्म होगा ना और अच्छा लगेगा, ठीक है जी। बस ये थोड़ा सा बचा है, ये तो खाते हैं, केचप वगैरह सब जो है वो मैंने खाली कर दिए हैं, ठीक है जी। जी 2 पीस भी खा लेंगे, पीसेज डाल देगा। आई होप आप लोग बताना कि आप लोगों को मेरा रिव्यू वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना और बर्थडे का जो है विश कर देना, कमेंट करना कि हैप्पी बर्थडे टू यू अनर भाई, कैसे हैं आप। मिलते हैं गैदरिंग किसी नेक्स्ट ब्लॉग में या रिव्यू वीडियो में या रिएक्शन वीडियो में या गेमिंग वीडियो में। गेमिंग चैनल पर हम लोग रोजाना वीडियो डाल रहे, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके सब्सक्राइब कर लो, इसको भी कर लो। ब्लॉग जो है थोड़े से लेट आ रहे हैं, आज भी कोई इतना खास ब्लॉग नहीं था, तो मेरे कहते हमारी बर्थडे है, एक फूड रिव्यू ब्लॉग पिज़्ज़ा का बनाना थे। मिलते हैं गैदरिंग किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।